हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो ये वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको व्हाइट क्लॉथ्स वॉशिंग की प्रोसेस आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2-3 लीटर वाटर में कम से कम 200 ग्राम तक कास्टिक सोडा मैंने उसमें डाइल्यूट करने के लिए रखा है, यानी कास्टिक सोडे का अच्छे से पानी बन जाएगा। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, इतने मैले और डर्टी कपड़े मैं इस मटेरियल में वॉश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। और ये कपड़े आप देख लीजिए किस तरह से ये कपड़े मैले हैं, और मुझे इनको 100% क्लीन करना है। कॉलर में डस्ट है, डर्ट है, बहुत ज़्यादा मैले कपड़े हैं, हल्दी के स्टेन हैं। और ये जो मटेरियल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। मैं आपको जो चीज़ें मुझसे वीडियोस में दिखाने की रह गई होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप सुनिए भी इस वीडियो को अच्छे से। तो फ्रेंड्स, व्हाइट कपड़े वॉशिंग में जितना काम मशीन का होता है उतना ही काम मटेरियल का भी होता है। मैंने गर्म पानी रखा है, गर्म पानी मीन्स मैं 90 से 80 डिग्री टेम्परेचर तक पानी गर्म करूँगा। ये मेरा कास्टिक सोडा है, इसका अच्छे से पानी में रूपांतर हो गया है, इसका अच्छे से पानी बन गया है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, कम से कम 400 ग्राम तक ब्लीचिंग पाउडर होगा। ये जो मटेरियल मैं बना रहा हूँ ये 30 से 40 कपड़ों के लिए सेफिशियंट है ये मटेरियल। तो अब मैं इसको ब्लीच पाउडर जो है उसको भी मैं पानी में अच्छे से घोल लूँगा। धीरे धीरे से पानी में ब्लीचिंग पाउडर घोलना है, जिससे उसका सारा ब्लीच का जो पावर है वो पानी में अच्छे से मिल जाए। मेरे साथ में विजय क्षीरसागर जी है, जो नागपुर महाराष्ट्र से है, नागपुर के नज़दीक उनका एक शहर है, वहाँ से मेरे पास प्रैक्टिकल बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग के लिए ये आए थे। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा आयरनिंग का काम, कम से कम 20 सालों से आयरनिंग का काम कर रहे हैं। और वॉशिंग का, ड्राई क्लीनिंग का, साड़ियों का, ब्लेज़र कोट, इन सभी का काम वो सीखने के लिए मेरे पास आए थे। तो उनके वजह से मैं ये वीडियोस बना पाया हूँ, क्योंकि मैंने पहले तो बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन इस वीडियो का बनाने का जो क्रेडिट है वो विजय क्षीरसागर जी को जाता है, क्योंकि उनके साथ में मुझे काफ़ी मज़ा आता था वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू विजय क्षीरसागर जी, आप मेरे यहाँ आए, ट्रेनिंग ली आपने, काफ़ी अच्छा सा टाइम बीता आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, ये जो मटेरियल मैंने बनाया है अभी, इसमें मैंने ब्लीच डाला है, उसके बाद में कास्टिक सोडा यूज़ किया है, और मैं अभी डिटर्जेंट पाउडर में उसमें यूज़ करूँगा, और आई एफ बी लिक्विड अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन बाय की लिंक है, अगर आप ऑनलाइन मेरी लिंक से ख़रीदते हो उसका थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है चैनल को। और ये डिटर्जेंट पाउडर भी मैंने डाला है, डिटर्जेंट पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर व्हाइट कपड़े यूज़ करो तो टाइड पाउडर बेस्ट है व्हाइट कपड़ों के लिए, अगर आप इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री का कोई भी काम करते हो। तो इस मटेरियल में मैं अभी व्हाइट कपड़े कम से कम 25 मिनट तक वॉश कर लूँगा। मैंने इसमें सोडा ऐश भी डाला है, लेकिन सोडा ऐश की क्वांटिटी इस बार मैंने कम रखी है और कास्टिक सोडा की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। तो इन कपड़ों को मैं अभी कम से कम 25 मिनट तक वॉश करूँगा मेरे इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन में। आधा काम मशीन का है फ्रेंड्स, 50% वर्क हमारा मशीन का है, और 50% वर्क जो है हमारे केमिकल का है, जो भी हम मटेरियल बनाते हैं। तो ये वॉश करने के बाद में ये मैंने जो सारा डिटर्जेंट ड्रेन कर दिया है, तब की मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। तो मैंने गर्म पानी यूज़ किया था, ब्लीचिंग वाला जो मटेरियल आपको दिखाया था वो यूज़ किया, उसमें मैंने 25 मिनट कपड़े वॉश कर दिए। वॉश करने के बाद में उसको मैंने एक बार
नॉर्मल खंगाल किया फ्रेश वाटर से, उसमें भी मैंने HCl एसिड मिलाया है। HCl एसिड मिलाने से डिटर्जेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है मशीन से वो डाइल्यूट हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। डिटर्जेंट और जो सोडा है इसका जो भी प्रमाण होता है वो न्यूट्रल हो जाए, उसके लिए मैंने HCl एसिड यूज़ किया है। आप एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हो या फिर न्यूट्रलाइज़र भी आते हैं कंपनी के, वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में मैंने वापस से 5 मिनट फ्रेश वाटर से वॉश किया। मैंने फ्रेश वाटर से 2 बार 5-5 मिनट का वॉश किया और ठंडा पानी मैंने यूज़ किया। उसके बाद में मैं अभी टीनोपॉल डाल रहा हूँ। टीनोपॉल मैंने कम से कम 10 से 20 ग्राम तक, 20-25 ग्राम तक टीनोपॉल यूज़ किया है, और उसमें मैंने कुछ ड्रॉप लिक्विड ब्लू के यूज़ किए हैं। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं, हमें कपड़ों को सिर्फ वाइट बनाना है, ब्लूएश वाइट नहीं बनाना है। तो इसमें मैंने मशीन स्टार्ट रखा है। मशीन शुरू होते ही हमने ये इसमें मटेरियल भी हमारा लिक्विड ब्लू और टीनोपॉल मैंने मिला दिया है, और उसको भी मैंने 5 से 10 मिनट तक वॉश करने दिया है। तब जाके कपड़ों को वाइटनेस, ब्राइटनेस और जो नेचुरल वाइटनेस आती है तो वो मशीन में लिक्विड ब्लू देने से आती है। तो अब मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ कपड़ों की। जिन कपड़ों को मैं स्टार्स करने वाला हूँ वो अलग से बकेट में डालूंगा, और जिन कपड़ों को मैं स्टार्स नहीं कर रहा हूँ उन कपड़ों को डायरेक्ट हाइड्रो करा लूँगा। तो फ्रेंड्स मैं बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग भी देता हूँ मेरे प्लेस में। तो अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, प्रैक्टिकली बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, लॉन्ड्री की छोटी मोटी बातें आपको जान लेनी है अगर आपको ये बिजनेस सीरियसली करना है और सक्सेस भी होना है। तो फ्रेंड्स ये स्टार्च है, मैं मशीन में भी स्टार्च करूँगा। कम से कम 5 मिनट तक मैं मशीन में स्टार्च वॉश करूँगा कपड़ों को, स्टार्च में कम से कम 5 से 10 मिनट में, यानी अच्छे से स्टार्च कपड़ों को लग जाएगा, स्टार्च का कोई भी स्टेन कपड़ों पे नहीं आएगा, इस तरह से अगर मैं अप्लाई करता हूँ। फ्रेंड्स तो आप लोगों को पता होगा कि मैं प्रैक्टिकल बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ। अभी फ़िलहाल में मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, जो मैसेज लोग करते हैं ना, फ़ोन बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, काफ़ी बिजी रहता हूँ। तो लेकिन मैं टेक्स्ट मैसेज करने को बोलता हूँ तो लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं, कहते हैं कि सर हमारा न्यू लॉन्ड्री बिजनेस है और हमें साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए केमिकल बताइए, इसका केमिकल बताइए, उसका केमिकल बताइए। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉन्ड्री बिजनेस इन लोगों को काफ़ी ईजी लगता है। फ्रेंड्स मेरी 18 सालों की मेहनत है तब जाके मैं ये थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो कपड़े आते हैं ना आपके पास, आपके खुद के नहीं हैं, आपके माँ बाप ने आपको नहीं लेके दिए हैं, ये कस्टमर्स के हैं। एक कपड़ा भी ख़राब होता है ना तो आपके पाँव तलों से ज़मीन खिसक जाती है। अगर एक साड़ी ख़राब होगी या एक कपड़ा ख़राब होगा आपसे तो ईजी लगता है, पैसा कमाना ईजी कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा तब जाके ये बिजनेस आप कर सकते हो, क्योंकि ये कस्टमर्स के कपड़े हैं, इनको रिस्पेक्ट देना सीखिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और इस प्रोसेस से रिलेटेड आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो ना तो मुझे यूट्यूब के वीडियोज़ के कॉमेंट बॉक्स में ही पूछना है, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद फ्रेंड्स।